हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कैन हैप। कैन हैप कोई चीज़ पास हो सकती है, लेकिन इसका मतलब इतने में ही सीमित नहीं होता है। इसको हम एबिलिटी के रूप में भी देख सकते हैं, परमिशन के रूप में भी देख सकते हैं और पॉसिबिलिटी के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेंगे एबिलिटी के विषय में कि जो कैन हैव का एबिलिटी में किस तरीके से मतलब निकलता है। ठीक है, सो आई कैन हैव अ कार। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आई हैव द एबिलिटी टू ओन अ कार। इसका मतलब ये है कि मैं एक कार को ओन कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ये मेरा एबिलिटी है। ये वाला कैन हैव में हमें ये मतलब पता चल रहा है। और उसी तरीके से दूसरा, सी कैन हैव अ बेबी। उसके पास एक बेबी हो सकता है। इट मीन्स कि उसके पास क्या है, सी हैज़ द एबिलिटी टू गिव बर्थ। इट मीन्स कि वो एक मदर बन सकती है, राइट। अब उसी तरीके से ये कैन हैव जो है, इसका इसे हम पॉसिबिलिटी भी दिखला सकते हैं। जैसे इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका जो है एक नेगेटिव नकारात्मक असर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी भी दिखा सकते हैं कैन हैव की मदद से। जैसे इट्स पॉसिबल इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये ऐसा संभव है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो उसी तरीके से दे हैव अ सीक्रेट। इट्स पॉसिबल दैट दे हैव अ सीक्रेट। अब ऐसा मुमकिन है कि उन लोगों के पास क्या है, सीक्रेट है। ऐसा संभव है कि उसके पास सीक्रेट है। तो देखिए कैन हैव किस तरीके से एबिलिटी को और पॉसिबिलिटी को दिखला सकता है, राइट। अब उसी तरीके से यहाँ पर परमिशन देखिए, परमिशन में यू कैन हैव अ कुकी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि आप कुकी ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, यू कैन टेक। ये वाला सेंस यहाँ पर मिल रहा है कि तुम्हें परमिशन है, यू हैव परमिशन टू हैव अ कुकी, कि तुम्हें परमिशन है कुकी को तुम ले सकते हो। इसका ये मतलब निकला। उसी तरीके से यू कैन हैव अ डे ऑफ। इसका मतलब ये है कि उसके पास परमिशन है छुट्टी लेने के लिए, कि वो छुट्टी ले सकते हैं, वो छुट्टी ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये वाला सेंस हमें मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर। सबसे पहले है अफर्मेटिव में। इसके लिए हमें सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट में रखना पड़ता है। जैसे सी कैन हैव अ कार। ठीक है, उसके पास एक कार हो सकती है। और उसी तरीके से इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट कैन नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी कैन नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं हो सकती। इंटरोगेटिव बनाने के लिए कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे कैन सी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार हो सकती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें कांट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कांट सी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार नहीं हो सकती। और इसी तरीके से हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाकर भी हम इससे हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे व्हाट प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और क्वेश्चन मार्क करके हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। और ये है व्हाट कैन सी हैव। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट काइंड ऑफ कार कैन सी हैव। ठीक है, किस तरीके की कार वो ले सकती है। और व्हेन लगाकर भी हम इससे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्हेन प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे व्हेन कैन सी हैव अ कार, When will she be able to get a car? ठीक है, कब वो कार ले सकती है। और इसी तरीके से where लगाकर भी हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसके लिए where plus can plus subject plus have plus object, where can she have a car? अब इसका मतलब होता है कि where is she allowed to park her car? के वो कहाँ पर कार रख सकती है, उसे कहाँ पर मतलब कार रखने की अनुमति है, ये बताता है हमें। और वाई लगाकर भी हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। उसके लिए वाई प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे वाई कैन सी हैव अ कार, इसका मतलब होता है कि वाई इज सी एबल टू ओन अ कार, वो क्यों कार ले सकती है। हाउ लगाकर भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके लिए हाउ प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हमें हाउ कैन सी हैव अ कार। ठीक है, हाउ इज सी एबल टू अफोर्ड अ कार, वो कैसे कार ले सकती है। सो ये सारे कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स को आप यूज करके कैन हैव को प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं।